हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें सारे चैप्टर्स जो कि इंग्लिश लिटरेचर क्लास 9th और 10th CBSE के हैं, वो कवर किए जाएंगे। आज मैं यहाँ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है पैकिंग, एंड दैट चैप्टर इज़ फॉर क्लास 9th CBSE बीहाइव बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी पोर्शन हेयर। द नरेटर ऑफ द स्टोरी जेरोम वॉज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स। ही वॉज सपोज टू गो ऑन अ ट्रिप विद हिज फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस। इस वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि तीन लोग हैं, एक है मिस्टर जेरोम, सेकेंड वन इज जॉर्ज एंड थर्ड इज हैरिस। ये तीनों लोग क्या है, एक ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो उसके लिए ये लोग पैकिंग कर रहे हैं। एंड ये जो नरेटर है इस स्टोरी का, वो है जेरोम। अब क्या था, जो जेरोम था उसे अपनी पैकिंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा घमंड था, यानी कि वो सोचता था कि उससे अच्छी पैकिंग इस दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। इसके लिए अब क्या हुआ, जब वो जेरोम अपने दोस्तों के साथ एक बार ट्रिप पर जा रहा था, दोस्त कौन थे उस समय उसके, जॉर्ज और हैरिस। तो जॉर्ज और हैरिस के साथ वो एक ट्रिप पर जा रहा था, तो वॉट हैपन, ही टोल्ड देम टू लीव द होल मैटर ऑफ पैकिंग टू हिमसेल्फ। तो जेरोम ने जॉर्ज और हैरिस से कहा कि जो भी पैकिंग वाला मैटर है वो उसके ऊपर छोड़ दें, टू विच दे रेडिली एग्रीड, जिस बात पर जॉर्ज एंड हैरिस दोनों ही बहुत आसानी से मान भी जाते हैं। जॉर्ज सैट ऑन द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड वॉच जेरोम डू द पैकिंग। अब जैसे ही जेरोम ये बोलता है कि मैं पैकिंग करूँगा, तो जॉर्ज और हैरिस दोनों बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। अब जॉर्ज क्या करता है, वो एक अच्छी सी एक चेयर पकड़ के आसानी से बैठ जाता है, एंड जो हैरिस होता है वो एक टेबल पर अपने लेग्स क्रॉस करके ऊपर टेबल के ऊपर पैर रख के बैठ जाता है और जेरोम को पैकिंग करते हुए देखता है। बट दिस वॉजंट वॉट जेरोम वॉन्टेड। लेकिन जेरोम ऐसा भी नहीं चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस उससे बैठ कर देखें और वो अकेला काम करता रहे। सो वॉट हैपेंड वेन ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू डू ऑल द पैकिंग हिमसेल्फ, वॉट ही मीन्ट वॉज दैट ही वॉज विलिंग टू बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग एंड डायरेक्ट हिज फ्रेंड्स टू वर्क इफिशियंटली अंडर हिज सुपरविजन। तो एक्चुअली उसका मतलब ये था कि जब वो पैकिंग करे तो उसके दोस्त जॉर्ज एंड हैरिस उसके सुपरविजन में वर्क करें, यानी कि उसके अंडर में वर्क करें, और जेरोम उसे ऑर्डर देगा कि काम ऐसे करो और वो दोनों वैसा ही काम करें। तो ये तो था जेरोम का जो मेन मोटो, जेरोम का मेन मोटो ये था कि बस वो उसको ऑर्डर दे जॉर्ज और हैरिस को और वो दोनों उसका काम करें। बट इसका जस्ट अपोजिट हो गया जेरोम के साथ। अब अकेला जेरोम बेचारा लगा हुआ था वर्क करने और जॉर्ज एंड हैरिस आसानी से बैठ के मजे ले रहे थे। एंड ही वॉज रियली पिस्ड एट देम फॉर जस्ट सिटिंग अबाउट वॉचिंग हिम वर्क। इट वॉज अनकम्फर्टेबल फॉर जेरोम टू जस्ट सिट आइडल एंड सी अनदर पर्सन वर्क एलोन। तो ये जो जेरोम के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा था और वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था, एंड हिज एनर्जेटिक नेचर मेड हिम वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। अब क्या हुआ आगे, वेन जेरोम पैक्ड द बैग हैरिस पॉइंटेड आउट दैट जेरोम हैड फॉरगॉटन टू पैक द बूट्स। अब जेरोम बेचारा अकेला लगा हुआ था पैकिंग करने, जब पूरी पैकिंग हो जाती है तो एंड में जाके हैरिस क्या बताता है, हैरिस पॉइंट आउट करता है कि जेरोम तुम अपने जो बूट्स हैं वो तो पैक करना भूल ही गए, यानी कि अपने शूज को तो तुमने पैक किया ही नहीं। अब क्या करना पड़ा इसके लिए, जेरोम हैड टू ओपन द बैग अगेन एंड पैक हिज बूट्स इन, एंड जस्ट ही वॉज गोइंग टू क्लोज इट ही डाउटेड इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश। अब क्या था, बैग दोबारा खोला उसने एंड देन अपने जो भी बूट्स थे वो उसको दोबारा पैक किए, एंड वो क्लोज करने ही वाला था कि उसे याद आया कि क्या उसने अपना टूथब्रश पैक कर लिया।
अब ये जैसे ही डाउट आया तो उसका एक अक्सर जो उसके साथ घटना होती है वो देखते हैं। वेन एवर ही वुड बी अबाउट टू ट्रेवल ही वुड गेट नाइट मेयर्स ऑफ फॉरगेटिंग टू पैक हिज टूथब्रश। अब जेरोम के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो कभी ट्रिप पर जाता था तो उसे रात में बड़े ही डरावने से सपने आते थे, और सपना भी किसका आता था कि वो अपना टूथब्रश जो है वो पैक करना भूल जाता था अक्सर सपने में। एंड देन अब उसे सपने में ही क्या होता है, तो वो सपने में ही देन ही वुड वेक अप एंड गो ऑन टू हंट फॉर इट। अब इसके लिए वो जागता है और इसके लिए जल्दी से इसे लेने के लिए भागता है। देन इन द मॉर्निंग ही वुड पैक इट बिफोर ही यूज्ड इट, और मॉर्निंग में यूज करने से पहले ही इसे पैक करता है। एंड देन ही हैड टू अनपैक अगेन टू गेट इट एंड वुड रीपैक, और फिर से उसे बाहर निकालना पड़ता है, देन ब्रश करता है, देन फिर उसे अगेन रीपैक करता है। फॉरगेटिंग टू पुट द टूथब्रश इन अगेन, और फिर क्या होता है, दोबारा से टूथब्रश पैक करना भूल जाता है। देन ही हैड टू रश अपस्टेयर्स टू फैच इट, अब उसको ढूंढने के लिए फिर से वो अपने घर के जीने चढ़ता है ताकि उसे दोबारा से ले आए। एंड ही ऑलवेज एंड्स अप कैरिंग द टूथब्रश रैप्ड अप इन हिज पॉकेट हैंडकर चीफ, और अक्सर ऐसा करने के बाद उसे अपना टूथब्रश खुद की ही पॉकेट में एक हैंडकरचीफ यानी कि एक रुमाल में रैप्ड किया हुआ मिलता है। सो इस तरह के सपने भी उसे आया करते थे। एज यूजुअल जेरोम हैड टू सर्च द होल बैग, और यूजुअली जो जेरोम था उसे अपना पूरा बैग क्या करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था। एंड ही फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस टूथब्रशेस 18 times ओवर, बट ही कुड नॉट फाइंड हिज टूथब्रश। और सर्च करते करते उसे जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रश थे वो लगभग 18 बार से भी ज़्यादा बार उसे मिल जाते थे, बट उसे खुद का टूथब्रश बड़े ही मुश्किल से मिलता था। एंड एट लास्ट ही फाउंड इट इनसाइड अ बूट एंड ही हैड टू रिपेयर वंस मोर। फाइनली उसे अपना जो टूथब्रश है वो एक बूट के अंदर यानी कि शूज के अंदर मिलता है, एंड देन फिर उसे अगेन उसे रिपेयर करना पड़ता है। आफ्टर ही वॉज डन जॉर्ज आस्क्ड हिम इफ द सोप वॉज इन, बट जेरोम वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट ही जस्ट डिडंट सीम टू केयर। अब ऐसे ही टांग खींचते खींचते जो जॉर्ज है वो एंड में जाके बोलता है कि क्या उसने साबुन पैक कर लिया। तो अब इस बात पर जेरोम इतना ज़्यादा चिढ़ जाता है कि वो इसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। बट आफ्टर ही स्ट्रैप्ड द बैग अगेन, लेकिन जैसे ही वो उसने अपने बैग को लगाया ही नोटिस दैट ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इनसाइड एंड ही हैड टू ओपन द बैग अगेन। हाउ मैनी टाइम्स ही हैड ओपन द बैग, डिड यू नोटिस इट? अब क्या हुआ, पैक दोबारा कर लेता है, स्ट्रैप कर देता है, उसके बाद उसे याद आता है कि उसने अपने चश्मे को यानी कि स्पेक्टिकल्स को तो उसमें अंदर ही पैक कर दिया। अब फाइनली ही फिनिश्ड पैकिंग एट 10:10 एंड 5 minutes PM, एंड नाउ जॉर्ज एंड हैरिस डिसाइडेड टू पैक द फूड हैम्पर्स। फाइनली 10:05 पर उसने अपना जो बैग था वो पूरा पैक कर लिया। एंड अब जो मिस्टर जॉर्ज एंड हैरिस आसानी से बैठ के मज़े ले रहे थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो फूड हैम्पर्स पैक करेंगे, यानी पैकिंग का सामान तो पूरा जॉर्ज ने सॉरी जेरोम ने ऑलरेडी कर दिया था। अब जो फूड हैम्पर्स का बाकी बचा हुआ काम था वो जॉर्ज एंड हैरिस ने अपने खुद के ऊपर ले लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद देम। जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड बाय शोइंग दैट दे वर बेटर देन जेरोम एट पैकिंग। अब जो जॉर्ज एंड हैरिस थे अब उन्हें भी काम मिल गया था पैकिंग का, तो वो भी शो ऑफ करना चाहते थे कि वो जेरोम से बेटर हैं पैकिंग करने में। एंड जेरोम वॉज एक्साइटेड टू सी हाउ दे वुड प्रोसीड, और जेरोम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था यह देखने के लिए कि ये दोनों कैसे पैकिंग करते हैं। एज ही एंटिसिपेटेड दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, जैसे वो इस काम में स्टार्ट करते हैं पैकिंग करना, अब वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो एक कप तोड़ते हैं। देन हैरिस एक्सीडेंटली स्क्वैश्ड अ टोमेटो बाय प्लेसिंग स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ इट। अब क्या होता है, हैरिस जो है वो एक्सीडेंटली एक टमाटर को पिचल देता है, स्क्वैश्ड कर देता है। वो भी कैसे करता है, टमाटर के ऊपर वो स्ट्रॉबेरी जैम का एक बहुत बड़ा जो बोल सकते हैं
जैम का एक पूरा बॉटल उसके ऊपर रख देता है टोमेटो के ऊपर, जिसके कारण टोमेटो स्क्वैश्ड हो जाता है। एंड देन ही हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून, और फिर उसे एक टी स्पून की हेल्प से टोमेटो वो है बाहर निकालना पड़ता है। मोरोवर जॉर्ज स्टेप्ड ऑन द बटर। नाउ इट वॉज जेरोम्स टर्न टू सिट बैक एंड वॉच देम विच इरिटेटेड देम। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने टोमेटो स्क्वेज किया वर्सेस फिर उसे टी स्पून से निकाला, उसके बाद जॉर्ज जो था उसने अपना एक कदम एक पैर बटर के ऊपर रख दिया। अब जो जेरोम था वो उसकी बारी थी कि वो आसानी से बैठे मजे ले और जॉर्ज और हैरिस को काम करते हुए देखे, जो कि उन दोनों को बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करता था। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। अब क्या हुआ, वो दोनों चीज़ों पर अपने पैर रखने लगे, पुट थिंग्स बिहाइंड देम, चीज़ों को अपने आगे पीछे रखने लगे। एंड देन दे वर अनेबल टू फाइंड देम व्हेन दे नीडेड देम। ऐसा करने के बाद अब उन्हें जब भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती पैक करने के लिए तो उन्हें वो नहीं मिलती थी। दे पुट द पाई एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप ऑफ इट। उन्होंने क्या किया, जो पाइज थे, पाइज यानी हम बोल सकते हैं एक प्रकार के केक, केक को उन्होंने सबसे नीचे रखा पैकिंग करते टाइम, और उनके ऊपर हैवी हैवी चीज़ रख दी, विच एंडेड अप रूइनिंग द पाइज। जिसका एंड रिजल्ट क्या हुआ, वो सारे पाइज जो थे वो बर्बाद हो जाते हैं। दे पोर्ड सॉल्ट ऑल ओवर द प्लेस एंड डिड वंडर्स विद द बटर। अब उन्होंने जो भी नमक था वो हर जगह यहाँ वहाँ बिखेर दिया, और बटर के साथ तो बहुत ही वंडर्स किए। अब बटर के साथ कैसे कैसे वंडर्स किए अभी देखेंगे, काफ़ी हंसी भी आने वाली है आगे। जॉर्ज गॉट द बटर स्टक टू हिज स्लीपर्स। जॉर्ज को जैसे ही हमने देखा था कि जॉर्ज के पैर में बटर की जो केक थी वो चिपक जाती है, अब उसे बाद में जाके देखता है कि उसकी चप्पल में एक बटर की केक चिपकी हुई है। आफ्टर ही गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर्स, अब जैसे ही वो अपने स्लीपर उतारता है, एंड दे अटेम्प्टेड टू पुट इट इन द कैटल बट इट वुडंट गो इन। अब उन्होंने क्या किया, अब उसने सोचा कि अब ये वाली जो स्लीपर्स में जो बटर है उससे हम स्क्वैश करेंगे, उसे वहाँ से निकाल के एक कैटल में पोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो उसने क्या किया, उस बटर की केक को उसने एक चेयर पर जाके रख दी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो मिस्टर हैरिस थे वो उस चेयर पर जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही वो चेयर पर बैठता है तो वो बटर की केक जो है हैरिस के बैग पर जाके चिपक जाती है। देन दे वेंट अराउंड लुकिंग फॉर इट, और फिर वो पूरे आसपास देखने लगते हैं दोनों लोग कि आखिर ये बटर की केक कहाँ चली गई। आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग जॉर्ज डिस्कवर्ड दैट इट वॉज एट द बैक ऑफ हैरिस। अब इतनी ज़्यादा छानबीन करने के बाद जॉर्ज ने ये डिस्कवर की, खोज की, कि ये जो बटर की केक है वो हैरिस के बैग पर चिपकी हुई है। एंड फाइनली दे पैक्ड इट इन द टी पॉट, और अंत में जाके उन्होंने उसे एक टी पॉट में जाके पैक कर दिया। एंड देन देयर पेट डॉग मॉन्टमोरेंसी केम इन टू द सीन ओनली टू एड टू द कोमोशन। अब इसी बीच एक और पर्सन, यानी कि एक पर्सन नहीं कहेंगे, ये एक डॉग था मॉन्टमोरेंसी, उसकी एंट्री होती है। ये जो मॉन्टमोरेंसी है इसके बारे में कहा जाता है कि चीज़ों को बर्बाद करना इसकी बचपन से ही हैबिट रही हुई है, तो अब ये चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ने के लिए आ जाता है। मॉन्टमोरेंसी वॉज अ नॉटी डॉग हुज एम इन लाइफ वॉज टू क्रिएट हर्डल्स एंड गेट स्कॉल्डेड। मॉन्टमोरेंसी एक बहुत ही ज़्यादा नॉटी डॉग था जिसका उसकी लाइफ में केवल एक ही एम था, वो लोगों के लिए हर्डल्स क्रिएट करता था, यानी परेशानी क्रिएट करता था, और हमेशा इस परेशानियों के लिए डांट भी खाता था। इट वॉज ओनली वेन ही वॉज स्क्रीम्ड एट दैट ही फेल्ट दैट हिज डे हैड नॉट बीन वेस्टेड। अब जब तक उसे एक दिन में कहीं ना एक पूरे दिन में अगर कोई डांट नहीं लगाता था तब तक उसका पूरा दिन सही से नहीं बीतता था। सो जस्ट वेन थिंग्स वर रेडी टू बी पैक्ड ही केम इन टू द रूम। अब जैसे ही चीज़ें पैक होने वाली थी तो वो रूम में आता है एंड सेट ऑन देम, वो उन चीज़ों पर बैठना स्टार्ट करता है। वेन एवर हैरिस और जॉर्ज एक्सटेंडेड देयर हैंड फॉर एनी थिंग, और जब कभी भी हैरिस और जॉर्ज चीज़ों को उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाते थे, हाथ आगे करते थे, मॉन्टमोरेंसी मेड इट अ पॉइंट दैट दे रीच फॉर हिज नोज। तभी उस हाथ के सामने, उन लोगों के हाथ के सामने मॉन्टमोरेंसी आ जाता था जिससे उसकी नोज में जाके उन दोनों के हाथ लग जाते थे। ही
ही पुट हिज लेग इन टू द जैम एंड डिसऑर्गेनाइज द टी स्पून एंड हैम्पर द लेमन्स। अब उसने क्या किया, जो जैम रखी हुई थी उसमें अपना पैर डाल दिया, टी स्पून्स को डिसऑर्गेनाइज कर दिया और लेमन्स को तो बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब कंडीशंस उसने मॉन्टमोरेंसी ने कर दी। आफ्टर अनकाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स एंड ट्रमेंडस एफर्ट्स फाइनली द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सेट ऑन द हैम्पर होपिंग दैट नथिंग वॉज ब्रोकन। अब इतनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, अनकाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स, इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद और इतनी ज़्यादा एफर्ट्स के बाद जो पैकिंग थी फाइनली 12:50 पर कम्प्लीट हुई एंड हैरिस सेट ऑन द हैम्पर होपिंग दैट नथिंग वॉज ब्रोकन। और हैरिस जो है फाइनली एक हैम्पर पर जाके बैठता है और आशा करता है कि कुछ भी चीज़ ना टूटी हुई हो। जॉर्ज कंसोल्ड हिमसेल्फ एंड हैरिस बाई सेइंग दैट इफ एनीथिंग वॉज फाउंड ब्रोकन देन इट वुड बी बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी ब्रोकन। अब जो जॉर्ज है, और जॉर्ज जो है वो क्या कहता है, जॉर्ज हैरिस से कहता है कि यदि अगर कुछ भी चीज़ टूटी हुई पाई गई तो वो हमारी गलती नहीं होगी, वो चीज़ ऑलरेडी पहले से टूटी हुई ही थी। दे ऑल वर रेडी फॉर बेड एंड डिसाइडेड टू बेक अप एट 6:30। अब वो सभी लोग बिल्कुल रेडी थे सोने जाने के लिए एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुबह 6:30 बजे यानी कि 6:30 पर उठेंगे। एंड जॉर्ज वॉज ऑलरेडी असलीप बाय देन, और जो जॉर्ज था वो अब तक वैसे ही सो चुका था। सो जॉर्ज एंड जेरोम प्लेस्ड द वाथ बिफोर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड देमसेल्व्स। सो वेल, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, and if you like it then please like and subscribe my channel।